गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। गर्मी स्टार्ट होने के साथ साथ हमें बाहर निकल के काम करना पड़ता है। वो धूप, वो चिलचिलाती गर्मी कहीं ना कहीं बहुत इरिटेटिंग होता है हम लोगों के लिए, फील्ड में निकल करके काम करना। तो और वैसे भी जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, इंडिया में मोस्टली जो टाइम रहता है वो समर का टाइम रहता है विंटर की अपेक्षा। साल भर गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं सर्दियों की अपेक्षा, तो मोस्टली टाइम हम लोग को फेस करना पड़ता है सूरज की किरणें, वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो बहुत ज़्यादा स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें एक अच्छी सी सनस्क्रीन का चुनाव करना होगा यदि हमें अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है सनस्क्रीन क्रीम का है। सनस्क्रीन क्रीम को हम क्यों अप्लाई करें, उसके क्या बेनिफिट हैं, और जब भी हम कोई सनस्क्रीन क्रीम का चुनाव करें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं पता है कि हम क्या कौन सी क्रीम उठा लें। हम लोग रेंडमली कुछ भी उठा लाते हैं, तो वो उस पर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें क्रीम पर चुनाव करते समय क्या क्या चीज़ को हमें उस क्रीम में देखना है। इसके साथ साथ एक क्रीम भी आपके साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि शायद हो सकता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, और उसके इंग्रेडिएंट के साथ, उसके बेनिफिट के साथ आप तक प्रेजेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं शिवानी वेलकम करते हैं आप सभी का वेस्टीज महाबस पर। अभी तक जिन लोगों ने वेस्टीज महाबस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और यदि आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर से करें। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो एक बेल आइकन का बटन है उसको जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब हम घर से बाहर होते हैं और सूरज का सीधा कांटेक्ट हमारे स्किन पर पड़ता है तो दो सूर्य की जो किरणें होती हैं उससे दो तरीके की किरणें होती हैं, एक होती है अल्ट्रावायलेट ए, दूसरी होती है अल्ट्रावायलेट बी। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्ट्रावायलेट ए किरणें, अल्ट्रावायलेट बी किरणें कैसे हमारी स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं। यदि हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट बी किरणों की, तो अल्ट्रावायलेट बी किरणें जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसको ही बर्न कर देती है, या जिसको बोल सकते हैं कि सनबर्न टाइप की स्किन होगी या पैची स्किन होगी, इस तरीके की स्किन हो जाती है। और जो अल्ट्रावायलेट ए किरणें हैं वो क्या करती है, हमारे स्किन के डीप में जाकर के और हमारी जो स्किन के अंदर कोलेजन होता है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है स्किन की, उसको नष्ट कर देती है। यानी कि अल्ट्रावायलेट ए किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक है अल्ट्रावायलेट बी से। हालांकि दोनों ही किरणें हानिकारक है स्किन के लिए, लेकिन अल्ट्रावायलेट बी की तुलना में अल्ट्रावायलेट ए किरणें बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अब जो एक सनस्क्रीन है वो कैसे हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, सनस्क्रीन क्या करती है, हमारे स्किन पर एक शील्ड बना देती है और जो भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे प्रोटेक्शन देने का काम करती है। कई बार हो जाता है कि स्किन जल जाती है, सनबर्न टाइप का हो जाता है, या ब्लॉची स्किन हो जाती है, यानी कि कहीं कहीं पैचेस टाइप के हो जाते हैं, उनको हटाने का काम करती है। समय से पहले जिनकी एजिंग की प्रॉब्लम आ जाती है या रिंकल्स आ जाते हैं उनको हटाने का काम करती है, वो आने नहीं देती है स्किन पर यदि हम प्रॉपर डेली हम सनस्क्रीन का यूज कर रहे हैं। ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स या फ्रिकल्स आ जाते हैं उनको दूर करने का काम करती है एक सनस्क्रीन क्रीम। अब बात आती है कि सनस्क्रीन क्रीम का चुनाव करते समय में किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सनस्क्रीन क्रीम का चुनाव करते समय हमें ये इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि सन एसपीएफ का मतलब क्या होता है। एसपीएफ का मतलब हो गया सन प्रोटेक्शन फैक्टर, वो हमें क्रीम के अंदर देखना होगा, क्योंकि मार्केट में एसपीएफ 15 प्लस क्रीम आती है, इसके अलावा एसपीएफ 20 आती है, 30 आती है, 50 आती है। एसपीएफ जो 15 होती है वो करीब 93% प्रोटेक्शन देती है, और यदि एसपीएफ 20 हम लोग खरीदते हैं तो एसपीएफ जो 20 वो 95% प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेज से। इसके बाद आता है एसपीएफ 30, तो एसपीएफ 30 जो है करीब 97% प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अब बात करें यदि एसपीएफ 50 की, तो एसपीएफ 50 98% सिर्फ 1% एक्स्ट्रा ही हमें प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेज से, यानी कि 98%। तो 90 एसपीएफ 30 और एसपीएफ 50 का यदि हम उसको प्राइस में यदि
कंपेयर करें तो जस्ट डबल हो जाता है। जब हम SPF 50 खरीदते हैं SPF 30 से जस्ट डबल प्राइस SPF 50 का हो जाता है, सिर्फ 1% के लिए हम डबल पे कर रहे हैं। तो हम जो सजेस्ट करेंगे वो है SPF 30 क्रीम आप लोग परचेस करें बजाय SPF 50 के। तो इसके अलावा मार्केट में दो तरीके की क्रीम होती है, एक होती है जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट ए से ही प्रोटेक्शन देती है या सिर्फ अल्ट्रावायलेट बी से ही प्रोटेक्शन देती है। जो हमें चूज करना है वो दोनों तरीके का जो प्रोटेक्शन दे रही है, अल्ट्रावायलेट ए से भी अल्ट्रावायलेट बी से भी प्रोटेक्शन, वो लेना है और SPF 30 प्लस क्रीम के साथ लेना है। तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप मार्केट में कोई क्रीम खरीद रहे हो तो इस तरीके की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए उस क्रीम के अंदर। अब चलते हैं कि जो हमने आपको बोला था स्टार्टिंग में वीडियो में कि हम कौन सी क्रीम सजेस्ट करने वाले हैं, तो वो देखते हैं। हम जो सजेस्ट करेंगे क्रीम वो है एस्योर की SPF 30 प्लस प्लस क्रीम, जो अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से प्रोटेक्शन देगी, जो नॉन ग्रीसी और नॉन ऑयली और तेजी से एब्जॉर्ब होने वाली, स्किन के अंदर तेजी के साथ एब्जॉर्ब होने वाली क्रीम है, जो वाटर बेस्ड है। इसके साथ साथ ये आपको एक मेकअप फिनिश साइन के साथ ये दी गई है, यदि आप यूज करेंगे तो एक मेकअप फिनिश आपको देगा। इसके अलावा जो टैनिंग आ जाती है या अनइवन और ऑड स्किन हो जाती है उसको रिमूव करने में काफी हद तक सक्षम है। समय से पहले आने वाले एजिंग की जो प्रोसेस है उसको स्लो करने में काफी हद तक मदद करेगा। इसके अलावा जो कई बार रैशेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाती है फेस पर या जो भी ओपन एरिया है वहां पर रैशेस से दिखाई देने लगते हैं सनबर्न की वजह से, तो उन सबको ये डिसअपीयर करने का काम करती है। इसके अलावा इसमें जो है सन प्रोटेक्शन एजेंट काफी सारे मिले हुए हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड ऑयल इसमें मिला है जो आपके स्किन को नरिश करेगा, एक शाइनी लुक देगा। इसके अलावा इसमें है गार्सिनिया इंडिका सीड ऑयल भी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि गार्सिनिया इंडिका जो सीड ऑयल है वो काफी हद तक क्या होता है, एंटी इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज उसमें बहुत ज्यादा होती हैं। अब वो बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं, कई बार होता है कि जो जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो फिर उसमें काफी सारे बैक्टीरिया या वायरस हो जाते हैं जब स्वेटिंग आती है, तो उसको भी ये कहीं हद तक इस जर्म्स को पनपने नहीं देता है। कि और दूसरा ये वाटर प्रूफ फॉर्मूला है, स्वेटिंग से प्रूफ करेगा, लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है ये, करीब आपको 4 घंटे का प्रोटेक्शन देगा सन एक्सपोज में, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो वो देखते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि हम जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो 1/2 घंटे पहले जितना भी ओपन एरिया है, चाहे वो नेक हो हमारा या फेस हो या हाथ हो, इसके अलावा जो भी हमारा एक्सपोज एरिया है जो हमारा सन की रेस के सीधा कॉन्टेक्ट में आ रहा है, वह घर से निकलने से पहले 1/2 घंटे पहले हमें इसको अप्लाई करना है। ये करीब हमें 4 घंटे का प्रोटेक्शन देगा, तो इस तरीके से हमें अप्लाई करना है। यदि हमें ज्यादा आवर्स तक रहना है तो इसको हम सेकेंड टाइम फिर से अप्लाई कर लेना है 4 आवर्स के बाद, तो इस तरीके से अप्लाई करना है। तो आज का वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स के थ्रू, अपने व्यूज के थ्रू, अपने सब्सक्राइबर्स के थ्रू जरूर से सब्सक्राइब करके हमें जरूर अपना मैसेज पहुंचाइए। तो थैंक यू।